हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल एग रोल। इसका स्टफिंग आज ज़बरदस्त बनकर तैयार होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सब्जी है उसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 शिमला मिर्च और 2 प्याज लिए हैं और 1 टमाटर लिए हैं। इस तरह से इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं। 2 हरी मिर्च लिए हैं और 1 बंद गोभी लिए हैं। बंद गोभी का आधा भाग लिए हैं, उसे भी कट कर लिए हैं। और मैंने यहाँ 100 ग्राम पनीर लिए हैं जिसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं। सब्जी तैयार हो गए तो यहाँ आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मैदा लिए हैं, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लिए हैं। अब इसे गूँथ कर तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। 10 मिनट के लिए आटा को रेस्ट पर रखेंगे, तब तक यहाँ स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे। जब अच्छे से कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इसमें लेंगे 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें जो हरी मिर्च कट करके रखे थे इसे डाल लेंगे। इसके बाद इसमें सारे सब्जियाँ डाल लेंगे। सारे सब्जी डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। सब्जी को दूसरे तरफ कर लेंगे। अब एक फ्राई पैन लेंगे, इसे अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इस पर रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब जो पनीर को कट करके रखे थे इसे डालकर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। पनीर को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिए तो इसे साइड में कर लेंगे। चलिए सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी को भी भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो पनीर को भून कर रखे हैं उसे भी डाल लेंगे। पनीर डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच सोया सॉस डाल लेंगे और 1/2 चम्मच विनेगर डाल लेंगे। 1/2 चम्मच टमाटो सॉस डाल लेंगे। 1/2 चम्मच रेड चिली सॉस डाल लेंगे। सारे सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये लीजिए, ज़बरदस्त स्टफिंग बनकर तैयार हो गए हैं। इतना टेस्टी बनता है कि आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो बार बार इस तरह से ही आप स्टफिंग बनाकर एग रोल बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आटा को भी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो इसे फिर से गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद एक बड़ा सा लोई लेंगे और इसे गोल बना लेंगे। गोल बनाने के बाद हल्का इसे चपटा करेंगे। एक चकला लेंगे, इस पर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और इसे रखकर हल्का चपटा कर लेंगे। और हमें रोटी बेलकर इसे तैयार कर लेना है। जिस तरह से हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरह से हमें रोटी बेलना है। ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, नॉर्मल। इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। अब एक कॉर्नर के साइड से उठाएंगे और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और इसे खींच खींच कर लंबा कर लेंगे। लंबा करने के बाद इस तरह से इसे गोलाकार में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से चपटा करने के बाद बेल लेंगे। जिस तरह से हमारा रोटी था उस तरह से ही हमें बेल कर फिर से कर लेना है। मैंने रोटी बेलकर तैयार कर लिए हैं और आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इसे पतला रखना है। आप देख सकते हैं कितना पतला और कितना मोटे रखे हैं। अब गरम गरम तवा पर रोटी को डाल लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसे उलटते पलटते अच्छे से सेक लेना है हमें। जब एक तरफ अच्छे से पक जाएगा उसके बाद इस पर रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी टेस्टी एग रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। चारों तरफ लगाने के बाद इसे फिर से पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो एक रोटी बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। एक कटोरी लेंगे। अब इसमें 2 अंडा तोड़ कर तैयार कर लेंगे। मैं आज 2 अंडे से एक रोल बना के तैयार कर रही हूँ। आप 2 की जगह 3 भी ले सकते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तवा को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल लेने के बाद इसमें जो अंडा को मिक्स करके रखे हैं उसे डाल लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अब इसके ऊपर रोटी बनाकर जो रखे हैं उसे डाल लेंगे। लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे। जब अच्छे से पक जाएंगे तो इसे निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन करके इसे निकाल लेना है।
अब जो स्टफिंग बना कर रखे हैं इस तरह से हमें रख लेना है। इसके बाद थोड़ा सा इस पर काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला। अब इस पर टमाटो सॉस डालेंगे। टमाटो सॉस इसकी बिल्कुल मत करिएगा, इससे काफ़ी टेस्ट इसका बढ़ जाता है। अगर नहीं होगा तो इमली की चटनी या सजवान चटनी ले सकते हैं आप। और ये लीजिए सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी वेजिटेबल एग रोल, मार्केट जैसा घर पर बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट लाइक करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के।